आज गणेश विसर्जन है, तो यहाँ पे सूरत में मोड़ाबगड़ एरिया से अजीरा जाने वाली सब मूर्तियाँ जो 17 फुट से ऊपर है वो यहाँ से जाएगी। देख सकते हैं इतने बड़े बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो सिटी सूरत के सिटी एरिया से आ रही है, और पब्लिक भी इतना है। ऐसा लग रहा है मुंबई जैसा माहौल अभी सूरत में भी मिलने वाला है अपने को अगले साल में। आछे नगरा पर विराजमान श्री गणेश जी की प्रतिमा, आछे चंद्र पर विराजमान गणेश जी की मूर्ति, जोई सको जो नीचे नंदी वाहन छे। मुंबई में जे रीते गणेश जी की प्रतिमा नु विसर्जन थाय छे ए प्रमाणे ज सूरत में पण हवे 20-20 फूट की 25-25 फूट की मूर्तिओ नु आयोजन करवामां आवे छे अने आ रीते विसर्जन थशे। जोई सको जो केटली मोटी मोटी विशाल काय प्रतिमाओ छे। अहींया छे 3 मुखवाला मोर पर विराजमान गणेश जी, जे एकदम अद्भुत नजारो छे। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। एक पची एक सूरत की बड़ी मोटी मोटी मूर्तिओ मोड़ाबगड़ना रूटे थी बेसान रोज थी इच्छा पूजा से आज जो सको तमे माताजी हाथ में श्री गणेश जी की प्रतिमा एकदम अद्भुत नजारो है। आ है विशाळकाय प्रतिमा राम भगवान रूप में एकदम अद्भुत लगे। हाँ छे स्टेज नाक पर विराजमान श्री गणेश जी की प्रतिमा खूब ज मोटी है और विशाळकाय छे। हाँ छे हाथ में हनुमान जी गदा रूप में श्री गणेश जी की प्रतिमा जोई सको छो एकदम अद्भुत। अभी मूर्ति नो आनंद तो अपने सूरत में थशे। हाँ छे 12 कृष्ण स्वरूप में श्री गणेश जी की प्रतिमा जे माखण खाए मटकी में थी एक अद्भुत नजारो है। आ तो जोई सको तमे मस्त मजानी। आछे विशाळकाय नंदी पर सवार श्री गणेश जी। हाँ आवी गई छे गणेश जी ने बीजी प्रतिमा જોઈ શકો છો મસ્ત એકદમ। આ છે પહાડ પર વિરાજમાન ગણેશજીની પ્રતિમા। આ છે ગજરાજ હાથી પર વિરાજમાન ગણેશજીની પ્રતિમા, જોઈ શકો ખૂબ જ વિશાળ કહે છે અને પબ્લિકનું તો આજુબાજુ મંડરાઈ રહ્યું છે જોવા મળશે। આ છે મોડાભાગે 4 રસ્તા વિષ્ણુજીના સ્વરૂપમાં કમળમાં બિરાજમાન છે ગણેશજીની પ્રતિમા। આ છે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમા, એકદમ અલગ જ દેખાય છે અને શ્રી ગણેશજીનું સ્વરૂપ જોવા લાયક છે, સાથે પક્ષીઓ અને પશુઓ પણ છે। આ છે તિરુપતિ બાલાજી ભગવાનના રૂપમાં ગણેશજીની પ્રતિમા, જોઈ શકો લગભગ 15-20 ફૂટની છે પ્રતિમાની સાઈઝ, 20 ફૂટ તો આરામથી હશે અને ઉપર સિંહાસન છે બાલાજી ભગવાનનું જે છે મોડાભાગે 4 રસ્તા પર। આજે સીતા લઈને આવેલા ગણેશજીની પ્રતિમા જે હંસ પર બિરાજમાન છે ये विशाळकाय गणेशजी की प्रतिमा पहुंच गई अभी रामनगर 4 रस्ता पे। ये विराजमान है अजगर पे, आप देख सकते हो 4 से 5 मुख वाले अजगर है और यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा में कलर से फोटो ले रहा है। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। આ છે નંદી પર સવાર ગણેશજી જે છે આ પ્રતિમા જઈ રહી છે અભી 4 રસ્તા રામનગર 4 રસ્તા પરથી। વાહ સાહેબ કે વિશાળ કઈ પ્રતિમા હે। આ આવી રહી છે 20-25 ફૂટની શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં સુદર્શન ચક્રવાળી પ્રતિમા જે પૃથ્વી પર ઊભી છે। ભાઈ સાહેબ અલગ જ છે આ મૂર્તિ જોવાનો નજારો। આ છે શિવજીના સ્વરૂપમાં શ્રી ગણેશજી ખાન સાહેબ કા ડેલાના રાજા, જોઈ શકો વિશાળકાય પ્રતિમા છે આ। આ છે ગરુડ પર બિરાજમાન શ્રી ગણેશજીની પ્રતિમા, મલ્લાર ડેરી છે રાજા,
ये पे अपना सूरज रामनगर चौरस्ता एक से एक बढ़कर 20 से 25 फुट की मूर्तियाँ भी आ रही है सूरज में, जिससे जो उनके यहाँ से जाएगी हजीरा। और ये देखो अपनी पब्लिक आ तिरुपति बालाजी स्वरूप में आवे गणेश जी की प्रतिमा, ये बालाजी स्वरूप में श्री गणेश जी की प्रतिमा जो जाएगी अभी हजीरा। शिव जी भी है, गायत्री माता है, ये शेर सिंह वाला बैकग्राउंड है, सिंह पे विराजमान है ये गणेश जी की प्रतिमा। ये छह हाथों वाले गणेश जी की प्रतिमा है, ये वाली है संघ पे विराजमान श्री गणेश जी की प्रतिमा, काफी अद्भुत है देखने को लिए। और यहाँ पे इंडियन का फ्लैग भी लगाया हुआ है, बोलो भारत माता की जय, ये तुलसी पलिया का राजा। शेषनाथ पे विराजमान है ये विष्णु अवतार में श्री गणेश जी की प्रतिमा, काफी अद्भुत अद्वितीय अलौकिक चमत्कारिक मूर्ति देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया है। हाँ छे सियासन पर विराजमान श्री गणेश जी की प्रतिमा काफी विशालकाय छे, जे अभी जोई रहा छो आप रामनगर चार रस्ता पर पहुंची छे एकदम अद्भुत। आज सियासन पर विराजमान गणेश जी की प्रतिमा, वाह भाई वाह, एक पक्षी एक बड़ी मूर्ति आ रही है सूरत की। पूरी मूर्ति घूम रही है,